जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी चुनाव की तैयारी कर रहे गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन में अब कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस समिति शुक्रवार को गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन में शामिल हो गई है। गुपकार घोषणा के लिए पीपुल्स अलायंस, जिसे बोलचाल की भाषा में गुपकार गैंग कहा जाता है, कई राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है जो पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति की बहाली की मांग कर रहा है। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के खिलाफ बेहद मुखर रही कांग्रेस पार्टी भी इस विवादास्पद गठबंधन में शामिल हो गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कथित तौर पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 5 घंटे की संयुक्त बैठक में भाग लेते हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में उम्मीदवारों की रणनीति और चुनाव की तैयारियों से संबंधित कामों को अंतिम रूप दिया। एनसी देवेंद्र सिंह राणा ने बैठक के बाद कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बताया गया, गुपकार घोषणा के लिए पीपुल्स अलायंस के अध्यक्ष कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के और लद्दाख के लोगों के कल्याण और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सोच रखने वाली पार्टियों का समर्थन करना चाहती है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, पीपल्स मूवमेंट के नेता जावेद मीर और माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने 16 अक्टूबर को एक बैठक की थी। इस राजनीतिक बैठक को गुपकार समझौते का नाम दिया गया था। जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार डीडीसी और सरपंच और पंच के विभिन्न पदों के लिए 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच 8 चरणों में चुनाव होगा। गुपकार गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।